तो डियर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द एडिकरेंट्स। एडिकरेंट्स सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एडिकरेंट जो एडी का जो मतलब होता है दैट इज़ द सर्कल्स, ठीक है। जो सर्कल्स बनते हैं जलेबी की तरह उसका मतलब जो इंग्लिश में एक्चुअल होता है दैट इज़ द एडी, एडिकरेंट। अब एडिकरेंट कैसे बनता है, देखिए हम जब चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। वहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास एक कॉयल है, ठीक है जी। इस कॉयल के पास हम एक मैग्नेट को लेके जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर ये दोनों रेस्ट में होते हैं तो इस कॉयल के अंदर कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता। जैसे हम इस कॉयल को इस मैग्नेट को इस कॉयल की तरफ लेके जाते हैं, इसमें एक ईएमएफ पैदा होता है क्योंकि इसका जो फ्लक्स है इससे लिंक करेगा, ठीक है। इस मैग्नेट का फ्लक्स इस पर चेंज होता है, चेंज होने के कारण ईएमएफ जनरेट होता है। वो जो ईएमएफ इस पर पैदा होता है उसकी डायरेक्शन कैसे रहती है कि यहाँ पर भी फटाफट से नॉर्थ पोल बनेगा और ये नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा और ये इसको अपोज करेगा, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। तो ये जो बात है एक मैग्नेट से एक कॉयल के अंदर ईएमएफ जनरेट करती हैं, तो ये कॉपर के कॉयल में होता है, ठीक है। अब इस कॉपर के कॉयल में तो हम दिखाई दे रहा है कि करंट जो है सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है, ये करंट सर्कल के फॉर्म में घूमता है। अब अगर इसी को हम एक मैग्नेट के इसी मैग्नेट को अगर हम एक मेटल के सामने लेके आए, जैसे एक मेटल है, ठीक है, इस मेटल कुछ इस तरह से बना लेते हैं थोड़ा 3D में, जैसे मान लीजिए ये एक मेटल है। अब क्या मेटल में भी सर्कुलर करंट पॉसिबल है? देखिए स्टूडेंट्स, मेटल जो होता है वो अच्छा कंडक्टर है, उसमें करंट आ सकता है। तो करंट कब आएगा? जब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टीज में बहुत ही सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इस मेटल के पास हम एक मैग्नेट लेके आते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये मैग्नेट से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही इस मेटल के ऊपर पड़ेगा इसमें भी एक करंट आएगा सर्कल फॉर्म्स में। क्यों? क्योंकि देखिए करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, करंट का डायरेक्शन इसमें भी ऐसे रहेगा कि यहाँ पर फटाफट नॉर्थ पोल बनेगा और वो नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट ये नॉर्थ पोल इधर वाले मैग्नेट को अपोज करेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सर्कुलर फॉर्म में करंट कैसे है? तो देखो इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? एटम्स के अंदर। अब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे रहता है? एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट रहता है ये शेल्स में रहता है, ऐसे शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो इस शेल में तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे सर्कुलर फॉर्म में, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे सर्कुलर फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन घूमना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उसके उल्टी डायरेक्शन में क्या पैदा होता है? करंट होता है। और ये जो करंट खास करके मेटल्स में पैदा होता है, ये आपको याद रखना है, ये जो करंट मेटल्स के अंदर पैदा होता है सर्कल्स के फॉर्म में, इन सर्कल्स को बोलते हैं एडी, ये करंट होता है एडी करंट, ठीक है। और ये वाला एडी करंट भी अप्लाइड एनर्जी को अपोज करेगा, अप्लाइड करंट को अपोज करेगा, या अप्लाइड ईएमएफ हो या अप्लाइड करंट उसको अपोज करता है। जैसे ये देखिए ये मैग्नेट जो है इसके पास आना चाह रहा था, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे बनता है कि इधर भी नॉर्थ पोल बनेगा और ये इसको फटाफट से अपोज करेगा। आपके ये रूल तो याद होंगे, नॉर्थ पोल जब बनेगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है, और जब साउथ पोल बनता है तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं कॉपी से। अब यहाँ पर देखिए इसी डायग्राम के अंदर सबसे पहले एडी करंट की डेफिनेशन। एडी करंट ऑलवेज अपोज द बॉडी विच कॉज इन चेंजिंग फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉडी है इसको अपोज करेगा, क्यों अपोज करेगा? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस पर डाल रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मेटल में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दौड़ेंगे, घूमेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन के घूमने से इसमें करंट बनेगा। तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? इसमें फटाफट जो करंट है नॉर्थ पोल बनेंगे, सारे के सारे नॉर्थ पोल बनाएंगे, तो वो नॉर्थ पोल इसको अपोज करेंगे। तो मतलब जो इसका मोशन अपोज करने वाला ये जो करंट बन रहा है सर्कल्स की फॉर्म में, उसी को हमने क्या नाम दे दिया? एडी करंट। ओके, एडी करंट समझ में आ गया, मेटल्स के अंदर आ रहा है। और अब इसकी एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन क्या होता है,
हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, और इसके भी अब कुछ फ़ायदे हैं या कुछ नुकसान है अभी देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एडिग्रेंट, एप्लीकेशंस के अंदर सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, इसको यहाँ पर हमने धागे से लटका रखा है, और ये एक मेटल का बॉल है। इस मेटल के बॉल को एक पेंडुलम की तरह एक्ट कर रहा है। इस मेटल के बॉल को आप यहाँ से इस पोजीशन पर लेकर गए, आपने इसको फ्री छोड़ा, आपने काउंट किया कि ये 10 सेकंड में 10 ऑसिलेशंस कर रहा है, 10 ऑसिलेशंस कर रहा है। कब कर रहा है? जब ये वाले मैग्नेट यहाँ पर नहीं थे, ठीक है, ये मैग्नेट्स हैं नहीं, तो ये 10 सेकंड में 10 ऑसिलेशंस कर रहा है। अब एडी करंट यहाँ पर क्या काम करेगा? एडी करंट इसकी ऑसिलेशंस को कम कर देगा। कैसे कम करेगा? अगर हम इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं नॉर्थ से साउथ पोल, ठीक है, अब क्या होगा देखिए, एक्शन, ये वाला जो बॉल है ये इसके पास जाएगा। जैसे ही ये मेटल का बॉल इसके पास जा रहा है तो क्या हो रहा है, जो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, वो इस बॉल के ऊपर पड़ेंगी, समझ में आ रहा है? तो इस मेटेलिक बॉल पे इस नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फ्लक्स पड़ रही है। अब क्या हो रहा है, तो फटाफट इसके अंदर आ जाएगा एडी करंट, और वो एडी करंट जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगी, इस पोजीशन पे पहुँच जाएगी, तो इसमें भी फटाफट कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। अब आपको पता है, क्योंकि नॉर्थ पोल इसलिए बनेगा क्योंकि एडी करंट हमेशा अपोज करता है उस कॉज को जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल के कारण इंड्यूस हुआ था एडी करंट, तो ये फटाफट यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ और नॉर्थ दोनों रिपेल करेंगे, तो जब ये यहाँ से इसकी तरफ ऐसे जाएगा तो इसका मोशन धीरे धीरे स्लो हो जाएगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा। अब दूसरा, अब ये जब इससे ऐसे दूर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, जब ये ऐसे वापस आना चाहेगा तो क्या हो रहा है, ये नॉर्थ पोल से दूर जा रहा है, ठीक है। जब नॉर्थ पोल से दूर जा रहा है तो इसके अंदर एडी करंट कैसे बनेगा? देखो, एडी करंट का बार बार बोल रहा हूँ, एडी करंट कुछ इस तरह से काम करता है कि वो क्वांटिटी ऑफ मोशन को अपोज करता है। देखिए, अब ये मेटेलिक बॉल जो यहाँ पर लटका हुआ है, ये इससे दूर जाना चाह रहा है, ऐसे बिल्कुल दूर जाना चाह रहा है। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल से दूर जाना चाह रहा है। अब ये नॉर्थ पोल से अगर दूर जाना चाह रहा है, अब क्या होगा, इसमें जो एडी करंट पहले जनरेट हुआ था उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फटाफट से। अब एडी करंट अपनी कुछ इस तरह से डायरेक्शन बनाएगा कि इसमें फटाफट से साउथ पोल बन जाएगा, और साउथ पोल के कारण क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज करंट। तो जब ये यहाँ से दूर आएगा तो मेटेलिक बॉल के अंदर दूर आ रहा था तो साउथ पोल बन गया है। साउथ और नॉर्थ में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन के कारण फिर से ये पेंडुलम नीचे नीचे धीरे धीरे आएगा और मोशन स्लो हो जाएगा। दो एक्शन हुए यहाँ पर, पहला जब ये मेटेलिक बॉल इसके अंदर जा रहा था नॉर्थ पोल के अंदर, तो यहाँ पर मेटेलिक बॉल के अंदर नॉर्थ पोल बिना, तो नॉर्थ नॉर्थ दोनों अपोज करना स्टार्ट किए क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ के कारण यहाँ पर नॉर्थ पोल बना। अब जब यहाँ से इनर्शिया के कारण जब ये वापस आ रहा है तो इसमें साउथ पोल बना, नॉर्थ और साउथ फिर से दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अट्रैक्ट होने के कारण इसका मोशन स्लो हो गया। तो दोनों ही केसेस में मोशन जो है स्लो हो गया, और मोशन के स्लो होने के कारण इसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो कम हो गई हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब इसी फैक्ट को हम देखेंगे कि कैसे इसको देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो शीट है, एक मेटल की शीट है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है, इसमें डैम्पिंग इफेक्ट अभी शो होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स पे चेंज होगी, आप देखते हैं सर्कुलर फॉर्म में एडी करंट जनरेट हो गया है, और ये एडी करंट इस तरह से घूमेगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बनेगा, ताकि ये दोनों नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर सकें, और रिपेल करने पर इसका मोशन जो है स्लो हो जाएगा, और दूसरी ओर इसके क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, और साउथ दो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दोनों के रिपल्शन के कारण क्या होगा, वहाँ पर मोशन का ओपोजिशन होगा। तो एडी करंट की यही खासियत है, ये हर बार मोशन को अपोज करता है। ये देखिए, इसके बीच में जाएगा तो स्लो हो जाएगा, और ये देखिए कैसे स्लो हो रहा है, ठीक है, बीच में स्लो हो रहा है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा, वहाँ पर तेज हो जाएगा। तो ये एडी करंट का इफेक्ट्स रहता है, ऐसे ही डैम्पिंग रहती है, और इसकी अब कुछ और एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, दैट इज़ द डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर आपने फिजिक्स लैब के अंदर देखा होगा। सी हियर, यू कैन सी द गैल्वेनोमीटर।
ये है फर्स्ट टर्मिनल, ये है सेकंड टर्मिनल। एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स नहीं होते। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको थोड़ी सी भी इनपुट देते हैं तो ये जो नीडल है, ये नीडल यहाँ से डिफ्लेक्ट करके यहाँ पर पहुँच जाएगा, या हो सकता है इससे आगे भी चला जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है एक पर्टिकुलर रीडिंग, जैसे 5 यहाँ पे लिखा तो 5 पे वो स्टॉप हो जाए। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इनपुट में करंट देते हो तो ये नीडल 5 को क्रॉस करके ड्यू टू इनर्शिया ये 10 पे चला जाएगा। आप जितना मर्जी कम करंट दे लो, ये 10 पे चला जाएगा। ठीक है, फिर से हम करंट को अगर कम करने की कोशिश करते हैं, करंट को डिक्रीज़ करते हैं, तो स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है, आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा हुआ थर्ड यूनिट में, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ये नीडल वापस जीरो पर आ जाएगा। फिर से थोड़ा सा करंट देंगे, ये फिर से 10 पे आ जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, ये नीडल वहाँ पे रुक नहीं रहा जितना करंट आपको चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो नीडल है ये या तो सीधा 10 पे जाएगी या ज़ीरो पे, या 10 पे या ज़ीरो से। तो इस तरह से नीडल बार बार ऑसिलेट करती रहती है। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर के अंदर ऑसिलेशंस पैदा हो जाती हैं। तो इन ऑसिलेशंस को कौन ख़त्म करता है, इन ऑसिलेशंस को ख़त्म करता है एडी करंट। तो एडी करंट कैसे हेल्पफुल है, चलिए देखते हैं। हमने जब गैल्वेनोमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे इस तरह से साइड में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है और बीच में एक आयरन का सिलेंडर होता है। ठीक है, ये बीच में इसके होगा आयरन सिलेंडर। तो ये है एक आयरन का सिलेंडर, ओके। इसी सिलेंडर के ऊपर हमने कॉयल को लपेट रखा है, इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह से ये कॉयल लपेट रखा है, तो इसी के ऊपर है एक छोटा सा कॉयल, ओके। अब होता क्या है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंडर के ऊपर पड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें एडी करंट आ जाएगा। एडी करंट किस में पैदा होता है, एडी करंट किसी भी कंडक्टिंग बॉडी जैसे मेटल्स है उसमें आता है, सर्कल्स के फॉर्म में आता है। तो जब भी फ्लक्स इसमें लगातार चेंज होता रहेगा तो इसमें लगातार एडी करंट बनता रहेगा। अब एडी करंट का क्या बेनिफिट रहेगा, देखिए, अगर हम एडी करंट, हम पढ़ चुके हैं कि एडी करंट जो है हमारे अप्लाइड ईएमएफ के उल्टा होता है। जैसे अगर आप लेफ्ट से राइट साइड इस डायरेक्शन में ईएमएफ को अप्लाई कर रहे हो, ये है ईएमएफ अप्लाइड। ठीक है, तो एडी करंट किस तरफ पैदा होगा, एडी करंट इसके बिल्कुल उल्टा पैदा होगा। ठीक है, तो एडी करंट इसके उल्टा पैदा हो चुका है। तो अब क्या होगा, एडी करंट जो है हमारे अप्लाइड करंट या अप्लाइड ईएमएफ को कम करता है। अब देखिए, ये जो हमने इसके साथ, इसी के साथ थोड़ा और सेट कर सकते हैं इसको, यहाँ पर हमने ये एक रिजिड सपोर्ट लगाई और इसके साथ ये रिजिड सपोर्ट के साथ हमने ये पॉइंटर लगा रखा है। ठीक है, ये पॉइंटर ऐसे, अब जैसे जैसे इसमें टॉर्क पैदा होगा ये पॉइंटर ऐसे घूमेगा। ठीक है, जैसे हम इसमें इनपुट करंट देंगे, इस सिलेंड्रिकल कॉयल को इनपुट करंट देंगे, तो ये कॉयल ऐसे घूमेगा। ठीक है, बट जो एडी करंट है, एडी करंट इसके मोशन को अपोज करेगा, तो एडी करंट जो है क्या करेगा, इसको आगे जाने से रोकेगा। अब क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में ये ज़ीरो पर था, ज़ीरो पर थोड़ा सा करंट देते हैं, ज़ीरो से सीधा 4 पे चला जाएगा। अगर हम करंट थोड़ा कम करेंगे तो 4 से दोबारा ये 0 पर आ जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि हम जिस पॉइंट के ऊपर, हमारा इंटेंशन है कि हम इसको 2 के ऊपर रोकना चाहते हैं, 2 पॉइंट के ऊपर रोकना चाहते हैं, पर अगर हम थोड़ा सा भी करंट देंगे आगे चला जाता है, अगर करंट नहीं देंगे तो 0 पर आ जाता है। तो अगर 2 पर लेकर आना है तो आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट को कम करना होगा, और वो करंट कौन कम कर रहा है, वो करंट कम कर रहा है एडी करंट। ठीक है, तो इस तरह से एडी करंट उसका अप्लाइड करंट को कम कर देगा और जो इसका मोशन है उसको अपोज करेगा। तो क्या हो रहा था, जो स्टार्टिंग में ऐसे बार बार ये ऑसिलेट हो रहा था, ठीक है, ऐसे ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं बीट। जो ऑसिलेशंस पैदा हो रही थी उसको हम बोलते हैं बीट। ठीक है जी, अब वो ऑसिलेशंस जो है ख़त्म हो जाएंगे एडी करंट के कारण, तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, बीट्स आर डेड। तो बीट्स क्या हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं। तो इसीलिए हम इसके सेकंड एप्लीकेशन का नाम देते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन के बारे में। मूव ऑन टू द थर्ड एप्लीकेशन, द नेम ऑफ थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिकल ब्रेक। अब आपने इलेक्ट्रिकल ब्रेक का सिस्टम देखा होगा नॉर्मली डिवाइसेस में, हर डिवाइस में अलग अलग इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स होती हैं। अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन एक बहुत मैसिव बॉडी है, तो उसके जो टायर्स हैं उसको रोकने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स चाहिए। तो इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स जो है हमें मिलती हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स।
तो इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स में एडी करंट का क्या काम होता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ये है हमारे पास एक ट्रेन का टायर, तो ट्रेन के टायर की पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी, और आपको पता है ये कम्प्लीटली आयरन का होता है, और इसके सामने ये हमने लगा रखा है एक सिस्टम जिसमें हम कभी भी अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं। जैसे ही जो ड्राइवर है ट्रेन में ब्रेक्स लगाएगा तो क्या होगा, इसी डिवाइस में आएगा इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट के कारण इसी डिवाइस से पैदा हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगी ऐसे, तो ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे पड़ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड पड़ रही है इस ट्रेन के टायर के ऊपर, ठीक है, ये जो लोहे का है, ओके, तो इस पे पड़ रही है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड इस पे चेंज होगा, ट्रेन के टायर पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में क्या बनेगा, यहाँ पर एडी करंट। जो एडी करंट बनेगा उसके कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा पैदा होगा, ठीक है। फिर से देखिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट दिया, इस इलेक्ट्रिकल करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ इस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने पैदा किया रेड वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड इस टायर पे लगा लोहे के टायर पे, तो इसमें एडी करंट आया, एडी करंट ने क्या बनाया, ऐसे उल्टा ईएमएफ बनाया और उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे, अपोज करने पे क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रेक लग जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये है जो लोहे का टायर होता है, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें हमने जो एक्सल लगा रखा है, इस एक्सल में हम इलेक्ट्रिकल करंट देंगे, इलेक्ट्रिकल करंट देने से इसमें क्या पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन के टायर पे पड़ेगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या पैदा कर देगा, एडी करंट्स, और वो एडी करंट उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे और ये इलेक्ट्रिकल ब्रेक लग जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, जो एडी करंट है ना, एक्चुअली दुनिया में हर किसी ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा पैदा हो ही जाता है जिसमें भी मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करने की कैपेबिलिटी हो। एग्जांपल देखिए, ये है अर्थ, हमारी अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अर्थ के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल दोनों रहते हैं। मान लीजिए अर्थ के किसी भी एंड पे ये जो गाड़ी चल रही है, कोई लोहे की गाड़ी है या स्टील के कोई ऐसा मटेरियल है, तो इसमें अर्थ का मैग्नेटिज्म भी तो लगातार पड़ता रहता है, क्योंकि अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पे पड़ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन के अंदर है। अर्थ में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मोशन में रहते हैं, जैसे कोई बसेस हो जाती हैं या ट्रेन्स हो जाती हैं, तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा करंट आ जाता है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इनमें लगातार वेरी करता रहता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें चेंज होगा तो इनमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वही ईएमएफ एडी करंट पैदा करता है, ठीक है। तो ये आपने डेली लाइफ के अंदर देखा भी होगा, कई बार समर्स के अंदर वैसे तो सनलाइट से भी हो जाता है, अगर सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता रहता है तो वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं, पर कई बार ये भी कारण रहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार काफ़ी टाइम तक चलता रहता है तो उसमें भी एडी करंट पैदा हो जाता है। ये तो ये होगी इसकी एप्लीकेशन नंबर थर्ड। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब ये देखिए, फर्नेस, एडी करंट इतना पावरफुल है कि ये मेटल्स को आग भी लगा देगा, मेटल को जला के राख कर देगा। कैसे कर देगा, आप इस सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसमें तो यहाँ पर हमने एसी का सप्लाई लगा रखा है, तो यहाँ से करंट जाएगा इधर से, यहाँ से घूम के वापस आ जाएगा इधर से। एसी करंट में हमारे पास एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होता, एसी करंट में क्या होता है, ऐसे डायरेक्शंस चलती हैं, कभी प्लस कभी माइनस, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए, बहुत ही कम सेकंड, दैट इज़ 1/50, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़, तो 1/50 सेकंड के अंदर ये करंट इधर को जा रहा है, ठीक है। अगर ये करंट इधर से ऐसे जा रहा है तो ये करंट इधर को जाएगा, तो सॉरी, ये करंट ऐसे जाएगा इन वायर में, और इस वायर में करंट जाने से इधर को मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमने बीच में क्या रखा हुआ, हमने एक अर्थन पॉट रखा हुआ, मिट्टी का घड़ा जिसको बोल सकते हैं, तो इस अर्थन पॉट के अंदर हमने ये छोटे छोटे मेटल के स्क्रैप्स डाल रखे हैं, ठीक है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड इन मेटल के स्क्रैप्स के बीच में पड़ेगा, तो मेटल के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या पैदा हो जाएगा, एडी करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के घूमने से पैदा हुआ एडी करंट, और एडी करंट से क्या पैदा हो जाएगी, हीट, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या रहता है, आई स्क्वायर आर, तो जितना करंट प्रोड्यूस होगा उसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, क्या पैदा होती है, हीट। अब नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा, 2/50 सेकंड में अब करंट डायरेक्शन बदल लेगा, एसी करंट है,
तो करंट इधर से ऐसे जाएगा, इधर से, अब करंट इधर से जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में पैदा होगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में पैदा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इन मेटल स्क्रैप्स के ऊपर पड़ेगा, इन मेटल स्क्रैप्स में फिर से एडी करंट आएगा। अब उस एडी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में पैदा होगा, उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। जब इधर से करंट आया था तो एडी करंट के कारण इधर से को मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, जब इधर से करंट आ रहा है तो फिर से इसमें एडी करंट आ रहा है, एडी करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एक बार तो जो मेटल स्क्रैप्स में इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और 2/50 सेकंड में फिर वो कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। तो बार बार इलेक्ट्रॉन को कभी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, कभी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को घूमने से हर बार करंट आ रहा है, और वो करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और ये इतना स्ट्रॉन्ग करंट होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये सारे के सारे मेटल स्क्रैप्स मेल्ट हो जाएंगे। तो एक तरह से हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फर्नेस से कन्वर्ट कर दिया। अगर एडी करंट ना था तो ये हीट भी नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंडक्शन मोटर। तो पहले इसकी अगर आप नोट्स लिखना चाहें तो उसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो आप इससे एज इट इज़ नोट्स बना सकते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं इंडक्शन मोटर के ऊपर। अब इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, फिर से इस डायग्राम को समझिए। तो देखिए इंडक्शन मोटर में क्या होता है, इसके साइड में हमने लगा रखे हैं मैग्नेट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी हो सकते हैं या फिर परमानेंट मैग्नेट्स भी हो सकते हैं। तो इन मैग्नेट्स के कारण हम यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब जितने भी इंडक्शन मोटर्स होते हैं उसमें क्या लगा रहता है, उनमें बीच में एक सिलेंडर लगा होता है और सिलेंडर के ऊपर कॉयल लगा होता है, ऐसे सिलेंडर के ऊपर क्या है, कॉयल। तो जब ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड जो हमने सर्किट के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर्किट पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नॉर्थ से साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पड़ा आयरन सिलेंडर के ऊपर। तो आयरन सिलेंडर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट करने के बाद इसमें एडी करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें एडी करंट पैदा हो जाएगा तो एडी करंट के कारण ये उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे भी आएंगी तो ये ऐसे आ रही हैं दोनों, ये अप्लाइड वाला और ये एडी करंट वाला, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हुए ये इस तरह से होना चाहेंगी, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर ये 90 डिग्री पे भी पैदा होती हैं तब भी ये ऐसे घूम जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ये ट्राई करते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो जब भी एक दूसरे के एंटी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वहाँ पर टर्निंग इफेक्ट जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए जो एडी करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ तो उसी कारण ये सिलेंडर क्या होगा, घूमना स्टार्ट हो गया। अब जब सिलेंडर घूमेगा इस पर लगा कॉयल तो वो कॉयल भी घूम रहा है, और इसी से हमारे जो मोटर्स वगैरह काम करते हैं, ये चाहे गैल्वेनोमीटर हो या हमारे घर में कोई छोटा मोटा टॉय हो जिसमें मोटर्स लगी रहती हैं, और जो भी कूलर के अंदर फैंस होते हैं, एसी के अंदर फ़ैन होते हैं, जितने भी ये मोटर वाले काम है नॉर्मल, ये सारे एडी करंट पे काम करते हैं, ठीक है। कुछ मोटर्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही पावरफुल होती हैं, तो वो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटर्स होती हैं उसमें एडी करंट इतना ज़्यादा सफिशेंट नहीं रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा पावर दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ड्रिल मशीन की, ड्रिल मशीन बहुत पावरफुल होती है, उसमें टर्निंग इफेक्ट तो आएगा, ड्रिल मशीन घूम तो जाएगी पर उसका पावर सफिशिएंट नहीं रहेगा जिस काम के लिए आपने ड्रिल मशीन को बनाया है, ठीक है। और या फिर आप बोल सकते हो जो जूसर होता है हमारे घर में, तो वो भी बहुत पावरफुल होता है, उसमें भी वो जूसर घूम तो जाएगा एडी करंट से पर इतना पावर जनरेट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ इस तरह से सर्किट लगाते हैं। देखिए तो ये है हमारे पास, थोड़ा पहले इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लिख लें पीछे से, इसका एक्सप्लेनेशन इसी पॉइंट का, ये इंडक्शन मोटर का, ओके। अब आपको लेके चलते हैं जो ड्रिल मशीन पावरफुल होती है उसमें कैसा अरेंजमेंट रहता है। देखिए जो पावरफुल ड्रिल मशीन्स होती हैं उसमें क्या होगा, बीच में एक कॉयल लगा रहता है, ठीक है, ये कॉयल है ऐसे, ये कॉयल लगा रहेगा। हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बनाते हैं इस कॉयल के फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, जब ये कॉयल इस पोजीशन में रहेगा तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर
इन दोनों में हमें इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करना होगा। इन दोनों में इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करने से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे पैदा हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान लीजिए ये बीच में कुछ इस तरह से कॉयल पड़ा हुआ, ठीक है, ये कॉयल पड़ा हुआ बीच में। हमने इस कॉयल को इधर से और इधर से दोनों एंड में से क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा के एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। आपको चाहे इसी में करंट दे दें, इधर करंट देने का ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे जो जा रहा है, क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या हो जाएगा, क्योंकि जब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस वन नंबर कॉयल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें पैदा होगा वो बीच वाले कॉयल पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पड़ा इस कॉयल पे, इस कॉयल में क्या आएगा, एडी करंट। उस एडी करंट के कारण ये कॉयल घूम जाएगा, ठीक है, ये कॉयल घूम जाएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा, ऐसे हो गया। ओके, जब ये कॉयल ऐसे हो जाएगा तब हम थ्री या फोर में से किसी एक कॉयल में दोबारा से इलेक्ट्रिकल करंट देंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पैदा कर देगा, ठीक है। अब ऐसे पैदा हो रहा है, अब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉयल एक दूसरे के फिर से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फिर से इन दोनों में क्या पैदा हो जाएगा, टॉर्क पैदा हो जाएगा। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पर पड़ेगा, तब अब फिर से इसमें क्या पैदा हो जाएगा, एडी करंट, और वो एडी करंट उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ऐसे, जो रेड वाला पेंसिल देख रहे हैं। तो दोनों में टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, तो टॉर्क एक्सपीरियंस होने से फिर से ये ऐसे घूम जाएगा। जब फिर से ऐसे घूम जाएगा, आप वन या टू में से किसी को भी मैग्नेटिक फील्ड देंगे, करंट देंगे, सॉरी, वन या टू में से किसी को भी करंट देंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगा, तो ये फिर से ऐसे घूम जाएगा। तो क्या है, ये घूम तो रहा है, बहुत पावरफुल घूम रहा है, तो हो क्या रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग घूम रहा है, इसके लिए हमें कितने सर्किट चाहिए, इन दोनों में से एक सर्किट चाहिए, इन दोनों में से भी एक सर्किट चाहिए, और दूसरा ये जो कॉयल है, ठीक है, इस कॉयल को भी हमने अलग से कनेक्शन देना है। इस कॉयल को भी अगर हम अलग से कनेक्शन दे देते हैं तो क्या होगा, जैसे ये देखिए, ये जो कॉयल है इसको भी अलग से कनेक्शन दिया हुआ, इसको कनेक्शन देने से इसके अंदर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब अगर मैं एडी करंट पे डिपेंड करता हूँ, स्टूडेंट देखिए दो बातें हैं, ये तो ठीक है कि इनमें तो करंट देना ही पड़ेगा आपको हर हालत में, ठीक है, पर ये जो बीच वाला कॉयल है, या तो ये आप एडी करंट से घुमा लें, अगर एडी करंट से घुमाओगे तो ये इसमें आपको कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला कनेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर एडी करंट कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो डिपेंड करता है कॉयल के साइज़ वगैरह पे। तो उससे ये कॉयल घूम तो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट मिलेगा तो सही, पर आप चाहते हो कि बहुत पावर से ही घूमे, तो बहुत ज़्यादा पावर से घुमाने के लिए इसको अलग से कनेक्शन दे देते हैं। इसको अगर अलग से कनेक्शन दे देते तो क्या होगा, ये खुद का पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस अपने वाले कॉयल का होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इसको परपेंडिकुलर किसका मैग्नेटिक फील्ड कट कर रहा है, इसका, ये वाले कॉयल का थ्री का। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तब ये घूमेगा, जब ये ऐसे आ जाएगा फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड इसका पड़ेगा, फिर से परपेंडिकुलर वर्क करेगा, फिर से घूम जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको बहुत सारे कनेक्शन लगाने पड़ते हैं ड्रिल मशीन वगैरह में, ठीक है, एक इसका कनेक्शन हो जाएगा, इसका कनेक्शन के पैरेलल में इन दोनों में से किसी एक का लगा दें, जब ये फिर से कॉयल ऐसे घूम जाएगा तो इन दोनों में से किसी एक का कनेक्शन लगा दें। तो ऐसे ही काम करता है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, ये सारी एप्लीकेशंस तो हो गई एडी करंट की, अब एक एप्लीकेशन जो आप घर में भी ट्राई कर सकते हो, लेट्स सी, इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या है, हमने बाहर से पावर सप्लाई देके यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है, और ये बीच में हमने रखा हुआ है एक कॉयल, जैसे हमारे पास होता ना धागा बांध रखा होता है चरखड़ी पे, ऐसे ही हमने यहाँ पे बहुत बारीकी से कॉपर वायर को ऐसे बांधा हुआ है, ठीक है, बहुत बारीक कॉपर वायर है ऐसे, बहुत ही बारीक। ओके, अब जब इस कॉपर वायर में करंट ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, तो करंट के परपेंडिकुलर क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इसमें करंट की सप्लाई दे रखी है कुछ इस डायरेक्शन में, ये लगातार करंट जा रहा है, ठीक है, तो इस करंट के 90 डिग्री पे क्या पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस करंट से ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड का हम क्या यूज़ करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज़ करेंगे, मान लीजिए अब ये एक ढक्कन है, ठीक है, ये भी एक लोहे का ढक्कन है, जब इस लोहे का ढक्कन को आप इसके ऐसे ऊपर लेकर आएंगे, आप चाहते हैं कि इस मैं लोहे के ढक्कन को इसके ऊपर रख दूं, आयरन के जो लिड है इसको इसके ऊपर रखना चाहते हैं, अब क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया है इसमें करंट देके, ये मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन लिड पे पड़ेगा, आयरन के ढक्कन पे पड़ेगा, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा
तो उसमें क्या पैदा हो जाएगा, EMF पैदा हो जाएगा। हमें पता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो EMF पैदा होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो EMF बनाएगा, जो इसमें एडी करंट आएगा, वो एडी करंट के कारण इसको जो ढक्कन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। समझ रहे हो हमने क्या पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो हमने स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था नेचर वांट्स नो चेंज। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पड़ा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जब इस पर स्ट्राइक किया, तो इस पर स्ट्राइक करने पे जो इसमें EMF आ रहा है, जो इसमें एडी करंट आ रहा है, एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की डायरेक्शन में बनेगा कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। देखिए यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ पोल बना और यहाँ पे बना था साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे ही आप ये सर्कुलर ढक्कन को इसके ऊपर लेकर आ रहे हो, इस ढक्कन में भी फटाफट ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये दोनों ही नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अपोज करने से ये ढक्कन हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, ब्लोफ हो जाएगा, दूर चला जाएगा। अब नॉर्थ ही क्यों बना, क्योंकि हमें पता है जो भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ा है, तो जिस जो वाला पोल इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जहाँ हम बोल सकते हैं जिस मैग्नेटिक फील्ड के पोल के कारण इसमें EMF बन रहा है, वो EMF हमेशा उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो नॉर्थ इस पर पड़ रहा था तो इसमें भी नॉर्थ ही बनेगा। नॉर्थ और नॉर्थ दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल होने के कारण ये दूर जाके गिर जाएगा। फिर से देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से। देखिए ये मेरे मान लीजिए मेरे पास कोई लोहे का सिलेंडर है, अगर लोहे के सिलेंडर के पास ये मैं नॉर्थ पोल इसको ऐसे रखते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये मेरे पास एक कॉयल है, ठीक है, इस कॉयल के पास मैं ये एक नॉर्थ पोल लेके जाता हूँ, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल मैं इसके पास लेके जाता हूँ तो नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पर लिंक करेगा, और जब नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पर लिंक करेगा तो इसमें फटाफट करंट आएगा, और वो करंट जो इसमें मैग्नेटिक पोल बनाएगा वो नॉर्थ ही बनाएगा, वो नॉर्थ फिर इधर को जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंडीशन है। अगर नॉर्थ पोल इससे दूर चला जाएगा तो नॉर्थ पोल दूर जाने से इसमें फटाफट क्या बन जाता है, साउथ पोल, तो ये अट्रैक्ट करेगा। अब जो भी काम करोगे उसका ओपोजिट बिहेव करेगा। अगर आप नॉर्थ इसके पास लेकर आओगे तो ये मैग्नेट को अपने पास नहीं आने देगा, नॉर्थ बना लेगा, रिपेल करेंगे। अगर नॉर्थ को आप इससे दूर लेके जा रहे हो, ये कॉयल से अगर नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हो, तो ये दूर भी नहीं जाने देगा। उस केस में क्या होगा, अगर ये नॉर्थ पोल दूर चला जाएगा तो इसमें साउथ पोल बनेगा, तो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यही कारण इधर है, ये नॉर्थ पोल था, जब आप इस ढक्कन को इधर लेकर आ रहे हो तो इसमें ये क्या हो रहा है, ढक्कन चाहेगा कि मैं इसके पास ना जाऊँ, तो इसमें ढक्कन में भी क्या बनेगा, व्हाटएवर, नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ और नॉर्थ दोनों रिपेल करेंगे। तो ये हो गया अबाउट द एडी करंट, और ये ढक्कन यहाँ से उड़ के चला जाएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन इसकी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसकी कंप्लीट एप्लीकेशंस। अब कई बार क्या होता है, हमें जो एडी करंट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता सर्किट के अंदर। अभी जो एडी करंट्स है, एडी करंट हमेशा हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या रहता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो हमें क्या जाए, कई बार हमें सर्किट में एडी करंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर में भी आप पढ़ोगे अभी इन टॉपिक्स के बाद आगे करवाएंगे, ट्रांसफार्मर में ना ऐसे आयरन के कॉयल्स रहते हैं लोहे के, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इन कॉयल्स में भी क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है और ट्रांसफार्मर नॉइस प्रोड्यूस करता है, तो अनवांटेड नॉइस नहीं चाहिए। तो एडी करंट को हमें कम करना है, रिड्यूस करना है। हाउ टू रिड्यूस एडी करंट, तो कैसे करेंगे, देखिए ये एक मेटल का प्लेट है, अगर इस मेटल के प्लेट के ऊपर लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसकी लेंथ कितनी है, मान लीजिए है 5, 5, 5 और 5, तो कितना होगा टोटल 20। तो टोटल 20 लेंथ चलना पड़ा करंट को, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये है, ठीक है। अब जितना करंट हम लगा रहे हैं उसी करंट के कारण क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब जो करंट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है, और रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि एडी करंट प्रोड्यूस ना हो, तो उसके लिए आपको अप्लाइड करंट को कम करना होगा, ठीक है। अप्लाइड करंट कैसे कम कर सकते हैं, इस डायग्राम में जब आपने करंट ये बाहर वाला अप्लाइड किया तो ये लेंथ है 5, 5, 5, 5, तो टोटल लेंथ होगी 20। तो 20 लेंथ के कारण जो है हमारा करंट जनरेट हो रहा है, तो लेंथ 20 है तो रेजिस्टेंस भी उसी के हिसाब से होगा। अब मैं क्या करूँ, अब देखिए ये है एक तरीका है, इस हाथ को देखिए ध्यान से। अब एक है कि डायरेक्ट अप्लाइड करंट ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे,
एसिड अप्लाइड करंट जा रहा है, तो इस अप्लाइड करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एडी करंट बनाएगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, अब क्या होगा, अप्लाइड करंट को ऐसे जाना पड़ेगा ऐसे। अब देखिए लेंथ इंक्रीज होगी जो अप्लाइड करंट जा रहा है ऐसे, लगातार उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो लेंथ की इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, ये देखिए ये कितनी लेंथ इंक्रीज कर दी, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, तो इस तरह की शेप बनाने से, लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो अप्लाइड करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अप्लाइड करंट अगर कम हो जाएगा तो एडी करंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि हम कैसे एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में समझेंगे तो ऐसे है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से ऐसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, किसी भी डायरेक्शन से ऐसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इतने सारे सरफेस पे पड़ रहा है, इतने बड़े सरफेस पे, तो इतने बड़े सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है, तो फटाफट ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में क्या बनेगा यहाँ पे, एडी करंट। अगर अब मैं इसको ऐसे खोल देता हूँ तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड फिर ऐसे ही आ रहा है, पर ये लाइन्स मिस हो रही हैं। अब सरफेस में क्या आ गया, गैप आ गया, तो इस गैप आने के कारण ये वाली लाइन्स जो मिस हो रही हैं, ठीक है, उनके कारण एडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सरफेस एरिया को रिड्यूस करना होगा। अगर सरफेस एरिया रिड्यूस कर देते हैं जिस एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है, तब भी एडी करंट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है एडी करंट को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया एडी करंट्स के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अब इसी का हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और म्यूचुअल इंडक्शन मोस्टली 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सो व्हेन ए मेटेलिक प्लेट एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स टू प्लेट सरफेस चेंजेस। हेंस अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, टू अपोज दिस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एडी करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज ऑन द सरफेस फेसिंग द नॉर्थ पोल एंड acts like a north pole to repel and oppose the motion of a plate. While eddy current flows in a clockwise direction on the surface of the plate facing toward the south pole and acts like a south pole to repel or oppose the entry of the plate into the magnetic field. In this way, force of opposition acts on both faces of the plate whenever it leaves or enters the magnetic field lines. Such opposition keeps acting on an oscillating plate and forces it to stop. This type of reduction in oscillation over some time is called damping.